जय हिंद। तो जैसा कि आज आपका बिहार पुलिस मद निषेध 14 मई के दिन आपका एग्जाम खत्म हो गया, ठीक है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर के मिला लीजिए। देखिए मैं पेपर के साथ आंसर बताने वाला हूं और कमेंट में बताइए आप कितना स्कोर कर पाए। और देखिए एक छात्र कमेंट किया था कि सर आपके क्लास से एक भी प्रश्न नहीं लड़ा है। तो एक बात बताइए, ऐसा हो सकता है कि क्लास से प्रश्न लड़े? और देखिए आप अगर सभी प्रश्न को याद रखे होंगे, आप रेगुलर सेशन के साथ जुड़े होंगे, तो आपको जरूर मैं अभी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने कौन से प्रश्न कराया है और कौन से प्रश्न आया है, ठीक है ना। तो मैं लास्ट में प्रूफ के साथ प्रश्न को टाइपिंग भी किए हैं और प्रश्न टाइपिंग भी हो रहा है, सारे प्रश्न को प्रूफ के साथ आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि इस दिन के क्लास में इस प्रश्न को हमने कराया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अपना अपना स्कोर पहले मिलाइए। तो मिला लीजिए आप सभी का, यानी कि प्रश्न पूछा गया था 20 नंबर, यानी कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है। तो देखिए जब मैंने बताया था, यानी कि मैराथन से एक दिन पहले जो क्लास लिए थे उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताए थे। और जितने भी लोग अगर इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी को लगाए हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया, उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा गया था यानी कि भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। तो जो भी लोग ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था, देख लीजिए प्रश्न नंबरिंग भी यहाँ पर, चूंकि देखिए सेट नंबर अलग अलग था तो प्रश्न नंबर भी अलग अलग ही रहेगा, ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? तो जो भी लोग इस प्रश्न के लिए अगर ऑप्शन नंबर बी को लगाए हैं तो उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, थोड़ा सा प्रश्न धुंधला दिखाई दे तो जानते हैं कि कोई ना कोई फोटो भेजता है, तो हम लोग कराने का काम करते हैं आप सभी को प्रश्न को सॉल्व, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार से प्राप्त भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? तो जो भी लोग ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं, यानी कि राज कपूर, उनका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 99 नंबर, यानी कि बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है? तो गूगल ने ऑप्शन नंबर बी जो भी लगाए हुए हैं, ग्लोबल किड्स, यानी कि किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, उनका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपसे 100 नंबर पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सही नहीं पूछा गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए यह 3 सदस्य है, यह कथन क्या है? बिल्कुल सही है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, तो योजना आयोग के ही स्थान पर नीति आयोग लाया गया है, तो यह भी क्या है, हमारे ख्याल से यह भी सही होगा ऑप्शन। और देखिए यह 3 नंबर भी यानी कि ऑप्शन सही होगा। और जो भी लोग जब नहीं पूछा गया तो अगर ऑप्शन नंबर डी लगाए होंगे उनका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था 7 नंबर, यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न को ध्यान से। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया था यानी कि निम्न में कौन सी नदी कुमायू हिमालय के मिलाप हिमनद से निकलती है? तो इस प्रश्न के लिए जो भी लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोरी गंगा को लगाए हैं, बिल्कुल उनका क्या है? सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 8 नंबर, एस आकार का महाद्वीप कटक है? तो जो भी लोग अगर मध्य अटलांटिक कटक लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर, जो भी लोग बी लगाए हैं बिल्कुल उनका सही जवाब है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि देखिए लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु, तो मैराथन क्लास जीके जिसमें मैंने बताया था कि लोकसभा का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो, 25 साल उम्र उनका होना चाहिए और पंचायत के लिए 21 साल, ठीक है। यह प्रश्न भी देखिए छप करके आपके सामने आया है, जो भी लोग ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं बिल्कुल उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था, देख लीजिए यहाँ पर, अगर न दिखाई दे तो थोड़ा सा वीडियो को क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो जो भी लोग अगर ऑप्शन नंबर बी लगाए हुए हैं यानी कि नरेंद्र कपानी, उनका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था 92 नंबर, देख लीजिए 1 ग्राम यूरेनियम लगभग कितने समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? तो इस प्रश्न के लिए जो भी लोग ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं, 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला, उनका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था 93 नंबर, यहाँ देख लीजिए कि एक परमाणु इकाई के क्रिस्टल क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न के लिए अगर जो भी लोग ऑप्शन नंबर डी लगाए हुए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आपसे पूछा गया था, यानी कि थोड़ा सा यह लेंथी प्रश्न है, इस प्रश्न को आप सभी लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देख लीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए कि कौन सी अक्षर श्रृंखला दिए गए नियम का पालन करती है। और देखिए यहाँ पर बता दें कि श्रृंखला में संलग्न अक्षरों के मध्य लुप्त अक्षरों की संख्या क्रमिक सम संख्या है, तो इसके लिए आपका क्या होगा जवाब। तो इस प्रश्न के लिए जो भी लोग ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था, इस प्रश्न को आप सभी लोग, थोड़ा सा लेंथी प्रश्न है, आप सभी लोग बना लीजिएगा। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था, 94 नंबर, देख लीजिए यहाँ पर, निम्न में कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंसर में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है, तो यानी कि एम्स दिल्ली बना है। जो भी लोग ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 95 नंबर प्रश्न है, डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है, तो याहू का नाम ध्यान रखिएगा। जो भी लोग इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए को लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों से, यानी कि 95 नंबर पूछा गया था, ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है, तो देखिए यह जो ज्वाला प्रतीक है प्राचीन और आधुनिक खेलों के निरंतरता का। अब जो भी लोग ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 97 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन एक उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी, तो देखिए जो भी लोग ऑप्शन नंबर बी लीला सेठ लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, चलिए आगे वाले प्रश्न को देखते हैं लोग। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था 72 नंबर, यानी कि किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल होता है, तो जो बच्चा कमेंट किया था कि सर आपके क्लास से एक भी प्रश्न नहीं लड़े हैं, तो ध्यान दो जब स्पेशल हमने साइंस के मैराथन लिया था उस प्रश्न उसमें हम लोग कराए हैं, यानी कि लैक्टिक अम्ल, और बहुत बार इसको बताए हैं लैक्टिक अम्ल, जो भी ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था 73 नंबर, जीव यानी कि जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करते हैं, तो ध्यान रखिएगा यानी कि ये जो कहते हैं कोलेनेकाइमा, जो भी ऑप्शन नंबर यानी कि आप लोग बी लगाए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न 74 नंबर पूछा गया था, पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो इस प्रश्न के लिए जो भी लोग ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 75 नंबर, देख लीजिए प्रश्न पूछा गया था, यानी कि निम्नलिखित में कौन उत्तक पौधे के तने घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, तो इस प्रश्न के लिए जो भी लोग ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं पास प्रतिभाजी उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए, तो देखिए 26 नंबर आप सभी से प्रश्न पूछा गया था, यानी कि केंद्रीय बजट, यानी केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है, तो इसके लिए अगर आप जो भी लोग, देखिए इस प्रश्न के लिए जो भी लोग ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं 1, 2, 3, 4 उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था, यानी कि देख लीजिए 27 नंबर, 5% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि को उसके मूल्य में 50% की वृद्धि करने पर कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जो भी लगाए हुए हैं 10 वर्ष उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे वाले प्रश्न को देखिए, 46 नंबर प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए जो भी लगाए हैं प्रजापति उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है 47 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो इस प्रश्न को भी मैंने सेशन में बताया हुआ है और आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पर उमेश नहीं होगा, ब्योमेश चंद्र बनर्जी होगा। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आयोग का यह गलती है हिंदी, तो जो भी लोग ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के पूछा गया था 48 नंबर, यानी कि निम्नलिखित में कौन सही रूप से सुमिलित नहीं है, तो देखिए सही रूप से सुमिलित नहीं है तो आपको बताना है, तो ध्यान दीजिएगा, जमात खाना मस्जिद बलबन नहीं खिज्र खा बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी जो भी लोग लगाए हुए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और इस प्रश्न को भी मैंने कराया था जब मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न आप सभी लोगों से देखिए, पूछा गया था कई नंबर, यानी कि 80 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो जो भी लोग ऑप्शन नंबर बी लगाए हुए हैं यानी कि सेपरेटिंग फनल का, यानी कि जो भी ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं उनका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपसे 81 नंबर पूछा गया था, एक घोल में 250 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है,
घोल की सांद्रता, तो जो भी लोग ऑप्शन नंबर सी 10 लगाए हुए हैं 10% उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था 82 नंबर कि बर्मी कंपोस्ट होता है तो एक प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी जो भी लगाए हैं एक जैव उर्वरक होता है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए 83 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर अगर वनस्पति विज्ञान पौधे का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में किया जाता है तो कीट विज्ञान में हम लोग कीट का अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो भी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था, देख लीजिए, यानी कि 23 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक HDI का एक मुख्य घटक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए जो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो भी लोग लगाए हुए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे, भारत में वाणिज्यिक बैंक प्रणाली किस पे आधारित है। तो इसको मैंने जब बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था तो उसमें मैंने इसको बताया था मिश्रित, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 25 नंबर, निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का उदाहरण है। तो देखिए इसके लिए जो भी लोग ऑप्शन नंबर बी लगाए हुए हैं पाइस फ्लोर, इसका उनका क्या है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा प्रश्न साफ नहीं दिखाई तो दिखने की कोशिश कीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है। तो इसके लिए जो भी लोग ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे 88 नंबर पूछा गया था, यानी कि बिहार राज्य ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी लोग जीविका लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 89 नंबर प्रश्न था आपका, यानी कि किस भारतीय निशानेबाज ISSF राइफल पिस्तौल विश्व कप 23 में 10 मीटर का, यानी कि पिस्तौल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। जो भी लोग ऑप्शन नंबर बी सबरजीत सिंह को लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए 90 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को यानी कि प्रथम पुरस्कार मिला। तो जो भी लोग ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं उत्तराखंड, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था, देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न सीधा दिखाई दे रहा है, यानी कि 76 नंबर, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा वाष्पीकरण, जो भी लोग ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी का, यानी कि 77 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक न्यूट्रॉन है। इस प्रश्न को भी मैंने बताया था फॉर्मूला कि ए, यानी कि एटॉमिक मास बराबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस क्या होता है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए एफ यानी कि ऊपर होता है आपका परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास, तो 59 दिया है, 59 में से 26 को आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा 33 आ जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन देखिए आप लोग बी को 61 में से आप सभी लोग घटाइएगा कितना 29 को, तो कितना आ जाएगा आप सभी लोग बता दीजिए। तो 61 में से जब 29 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए, यानी कि 2 और यहाँ पर कितना 3, 32। तो हमारे हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था 78 नंबर, यानी कि बुलेट प्रूफ स्किन यानी कि गोली अभेदक आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो भी लोग जेना ग्लास लगाए हैं उनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था यानी कि 79 नंबर, तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह है। तो ध्यान दीजिएगा वह तत्व क्या है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है और यह एक उपधातु होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था, देख लीजिए यहाँ पर 49 नंबर, यानी कि निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो यह कथन जो था ऑप्शन नंबर ए जो भी लोग लगाए हैं सर सैयद अहमद खान का यह कथन था, उनका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 50 नंबर, किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को यानी कि सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न को भी मैंने बताया था वाटरलू का युद्ध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था 51 नंबर, देख लीजिए, यानी कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनियम पूछा गया था आप सभी का, यानी कि फ्रीक्वेंट का पूछा गया था। तो जो भी लोग ऑप्शन नंबर यानी कि डी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 52 नंबर पूछा गया था, करेक्टली स्पेल्ड यानी करेक्टली वर्ड बताना है। तो जो भी लोग इसके लिए ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था, देख लीजिए यहाँ पर 20 नंबर, कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है, किस लिए चुना है। तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए चुना है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए था, यानी कि भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है किसके द्वारा? सीमा शुल्क के द्वारा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को तो लगता है हमने करा दिया है आगे, ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए यह प्रश्न देखिए, यह प्रश्न 63 नंबर आपसे पूछा गया था, यानी कि सर्वज्ञ क्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए जो भी लोग लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था 64 नंबर, निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो जो भी लोग इसके लिए ऑप्शन नंबर यानी कि बी लगाए हैं उनका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 65 नंबर पूछा गया था, अनुराग का यानी कि विपरीतार्थक बताना है, तो जो भी लोग ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं उनका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए आप लोग 66 नंबर, यानी कि जो अच्छा बोलता हो, जो अच्छा बोलता हो, तो इसके लिए जो भी लोग ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं सुवक्ता, वो क्या है, बिल्कुल सही जवाब है उनका, ठीक है। और 67 नंबर प्रश्न कुछ लेंथी प्रश्न दिया गया था, इसका आंसर मैं कम्युनिटी पर डाल दूंगा, थोड़ा सा लेंथी प्रश्न है, लेकिन अभी आप लोग इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि देखिए यहां पर, यानी कि 26 नंबर ध्यान से देखिए, यानी कि करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को, तो इसके लिए जो भी लोग ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो भी लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या कह रहा है, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजनाओं व्यय के अंतर्गत आता है, तो इसके लिए जो भी लोग ऑप्शन नंबर यानी कि सी लगाए हैं 1, 2, 3, 4, बिल्कुल उनका क्या है, सही जवाब है, ठीक। जो बच्चा एक कमेंट किया था कि सर क्लास से एक भी प्रश्न नहीं आया है, तो देख लो बाबू, तुम्हारे लिए स्पेशली यह वीडियो मैंने बनाया है कि देख लो कि प्रश्न मैंने कराया है कि नहीं कराया है। तू रेगुलर नहीं था क्लास में, इसीलिए तुमसे प्रश्न अच्छे से याद नहीं हो पाया। देखो ऑप्शन तो अलग अलग हो सकते हैं, लैंग्वेज में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि क्लास से प्रश्न न आए। देख लो इस प्रश्न को भी मैंने कराया था, पढ़ लो, इस प्रश्न को भी मैंने कराया था, जब कुतुब मीनार के बारे में बताया था, इल्तुतमिश के बारे में बताया था, और बलबन के बारे में बताया था, तब भी मैंने इस प्रश्न को बताया था, और ये प्रश्न को भी मैंने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, कहाँ होने वाला था और कब हुआ था, इस प्रश्न को भी मैंने बताया था, ठीक है ना। और देखो अगला प्रश्न मैंने बताया था वाटरलू युद्ध के बारे में, याद है तुमको, शुरुआती दौर में मैंने बताया था वाटरलू युद्ध के बारे में, सीधा प्रश्न पूछा गया, कमेंट कर रहे हो कि नहीं पूछा गया था प्रश्न, मैं प्रूफ के साथ तुमको दिखाऊंगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था आपसे अनुराग, अनुराग के देखिए, जब मैंने यानी कि 100 क्वेश्चन का यानी कि जो आपका 30/4/2023 को मैंने जो प्रश्न कराया था, तो उसमें मैंने कराया था अनुराग का विपरीतार्थक, तो मैंने बताया था कि पराग होता है, सॉरी पराग नहीं विराग होता है, मैंने बताया था उस समय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देख लीजिए, सार्वजनिक वस्तु का क्या अभिप्राय है, तो मैंने अर्थव्यवस्था के बारे में जब बताया था, तो इस प्रश्न को भी मैंने बताने का काम किया था, ठीक है, बट आपको तो याद है नहीं, तो आप कमेंट कर भी कीजिएगा कि सर नहीं प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था यानी कि वर्मी कंपोस्ट, जब मैं केसुआ के किसानों को मित्र बताया था साइंस के स्पेशल सेशन में, तो इस बात को भी मैंने बताया था, याद करो, याद तो है नहीं, कमेंट करना आता है। चलिए इस प्रश्न को देखिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता का था, तो मैंने जब बताया था कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, याद करो, जिसका समय मैंने बताया था 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था जो इंद्र का यानी कि स्थान था वो प्रजापति के यानी कि समान था, ठीक है, तो याद करो और देखो, कमेंट ऐसे मत कीजिए बाबू कि नहीं पाया था प्रश्न, दुख होता है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को चिल्ला चिल्ला करके मैंने बताया था कि विधानसभा के सदस्य का और लोकसभा के सदस्य का उम्र 25 साल होना चाहिए, ठीक है, और कमेंट कर रहे हो कि नहीं पूछा गया था प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न देखो, कुमाई हिमालय के मिलाप हिमनद से निकलती है, मैंने इसको बताया था कि जो आपका उत्तराखंड में स्थित है, यहां से कौन सा हिमनद निकलती है, तो देखियो गोंगी गंगा, कमेंट तो करने में आगे हो, प्रश्न को पहले पढ़ोगे नहीं, लैंग्वेज समझोगे नहीं। भारत में सर्वाधिक राजस्व, मैंने बताया था कि राज्य का सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है, और भारत में सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होगा, और बताया था इस प्रश्न को कि ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन चेंज हुआ है, देखो उत्पाद शुल्क होगा इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और जब मैंने बताया था दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें इस प्रश्न को मैंने बताया था, ठीक है,
क्या नहीं आया है क्लास से प्रश्न। 12वां नंबर प्रश्न, किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निधन कर दिया गया, तो अभी बताए हुए हैं वाटरलू युद्ध। नहीं बताए हैं, जरूर बताए हैं, याद आपको नहीं है इसलिए आपको कमेंट करना आता है। और कल के सेशन में मैंने बताया है समुद्र से नमक किस विधि के द्वारा निकाला जाता है, तो चिल्ला चिल्ला करके बताए थे वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, और कमेंट करते हैं कि सर प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो देख लीजिए सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसा बात नहीं है कि, अब मैं नहीं कहता हूँ कि सब के सब प्रश्न मेरे ही सेट से आए, लेकिन प्रश्न पूछे गए हैं। और भी प्रश्न देखिए अभी टाइपिंग हो रहा है, और जरूर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किस दिन कौन से प्रश्न को मैंने कराया है, वो प्रश्न आया है, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग मिला लिए होंगे कि आपका एग्जाम में कितना स्कोर हो पाया, और ऐसे कमेंट मत कीजिए कि सर क्लास से प्रश्न नहीं आया, तो जब नहीं आया तो ये प्रश्न कहाँ से आया। देखिएगा हाँ, कुछ प्रश्न क्लास से नहीं आया है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन उस प्रश्न को आने के लिए अब हम जो भी वैकेंसी आ रहा है उसमें लग कर के मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे आप सभी के लिए, आप लोग भी पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर दीजिएगा, तो क्यों नहीं प्रश्न आएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, कमेंट में बताइए आपका कितना स्कोर हो पाया, ताकि हम कॉटअप का सही एनालिसिस आप सभी तक पहुँचा सके, ठीक है।